हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको आज मैं बताने जा रही हूँ, क्या आपने कभी सुहाना का पनीर मक्खन वाला मिक्स ट्राई किया है? तो अगर नहीं किया है तो ये देखिए, इस तरह का पैकेट होता है और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी गए होते हैं और ये हम आपको बना के दिखाएंगे आज। तो ये हमने ले लिया है 100 ml दूध, जो कि हाफ कप है। और पहले हमें ये करना है कि इस पैकेट का जो मसाला है वो हमें मिल्क के साथ मिक्स करना है। तो ये पैकेट मैं पूरा एम्प्टी कर लूँगी एक बाउल में। तो अब हम क्या करेंगे, इस मसाले में ऐड कर देंगे जो हाफ कप मिल्क है वो, और इसका एक पेस्ट जैसा बन जाएगा। तो हम इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे और एक पेस्ट जैसा ये बनकर रेडी हो जाए। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लिया है। इसे हम साइड में रखेंगे। और ये है 2 मीडियम टमाटर की प्यूरी, तो हमने ग्राइंडर में इसे ग्राइंड कर लिया है। और ये है 1/2 किलो, मतलब 250 ग्राम्स पनीर, जिसको हमने पीसेस में काटा है। तो अब हम एक पैन लेंगे और उसमें लेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, और इसे थोड़ा गर्म होने देंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे ये टमाटर की प्यूरी, जो 2 टमाटर हमने ग्राइंड किए हैं वो। और इसे हाई फ्लेम पर हमें बस भूनते रहना है जब तक जो इसका ऑयल है वो टमाटो प्यूरी के साथ सेपरेट ना हो जाए। तो ये देखिए, जब हम इसे अच्छे तरह से हाई फ्लेम पर भूनेंगे तब ये देखिए, ये ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें जो हमने दूध और मसाले का मिक्सचर बना के रखा था वो ऐड कर देंगे, और इसे हाई फ्लेम पर हम कुछ 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। और ये देखिए, ये हमने इसे 1.5 मिनट के लिए भून लिया है तकरीबन। और बस इसे अब हमें भूनने के बाद इसमें ऐड करना है पानी। तो 100 ml हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, मतलब आधा कप पानी भी ऐड करना है हमें, ठीक है। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसमें 2 टेबल स्पून हमने ऐड कर दिए मक्खन, तो मक्खन वाला है तो मक्खन तो ऐड करना ज़रूरी है। फिर भी अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं उसे। और ये बस पनीर के पीसेस जो है वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, और इसे हम हाई फ्लेम पर एक बॉईल आने देंगे और फिर गैस की फ्लेम लो करके इसे ढक देंगे और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसे स्लो गैस पर पकने देंगे। और ये देखिए, 6 मिनट हो गए हैं और जो पनीर मक्खन वाला है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही झटपट बन जाती है। तो अगर आपको रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर मक्खन वाला खाना है तो आप सुहाना का पनीर मक्खन वाला मिक्स ज़रूर ट्राई करें। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये तो बस मुझे पसंद है तो इसलिए मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। तो आप भी अगर एक पनीर लवर है तो इस रेसिपी को आप लाजमी ट्राई करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।